वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूँ न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल की तरफ से आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। और आ गए हैं हम यूपी बोर्ड की क्लास 11th में। और क्लास 11th में हम लोगों ने अब तक 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वाला लेक्चर हम लोगों ने किया था शूट लाइव, और आपने देखा होगा क्लास में कुछ चीजें हो चुकी थी उसमें। फिर भी मैं वहां से कुछ ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, कुछ आगे स्टार्ट करता हूँ, ताकि वो चीजें जहां से छूटी थी कल लाइव क्लास में, वो चीजें आज से हो जाए कवर। ठीक है, आ गए हैं हम लोग आपके 7th लेक्चर में। और 7th लेक्चर में हम लोगों ने वहीं से स्टार्ट करना है जहां पर हम लोगों ने कल छोड़ा हुआ था। और उसमें चल रहा था कुछ विमाओं की या कुछ भौतिक राशियों की विमाएं। कुछ भौतिक राशियों में कौन कौन सी भौतिक राशियां हमने देख ली थी, तो कुछ हमने देखा था जैसे क्षेत्रफल, आयतन वगैरह देखा था। वहीं पे हमने कार्य के बाद से जहां छोड़ा था, आज हम लोग स्टार्ट यहां से कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कार्य के मैंने बताया था कि कार्य की विमा जो होती है वो होती है ML2T-2। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लास्ट लेक्चर जा करके आप कैप में होगा वो जरूर देख लीजिएगा। आइए तो द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में बात करूं, तो द्रव्यमान ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E=mc²। m मास है और c प्रकाश की चाल है, तो चाल का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम, मास का हो गया, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और होल स्क्वायर, इसको आप करेंगे सॉल्व, तो इसका डायमेंशन बच्चों आ जाएगा ML2T-2। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेशर के बारे में, दाब के बारे में। तो दाब क्या होता है, तो किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही तो दाब कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A, और यहां से F को न्यूटन और एरिया को मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा ML T-2/L2। इसको आपने सॉल्व कर दिया और ये हो जाएगा ML-1T-2। लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अगर आपको प्रैक्टिस में याद है तो जरूर आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सामर्थ्य, पावर, शक्ति जानते हैं। शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, एकांक समय में क्षय ऊर्जा या कृत कार्य को हम लोग सामर्थ्य कहते हैं, उस वस्तु का, उस मशीन का, उस व्यक्ति का। तो यहाँ पे W/T हो गया, W को हम जूल बोलते हैं, पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा पर सेकेंड, तो यहां से जूल का ML2T-2 पर सेकेंड के लिए T आपने यूज कर लिया है। यहां से आप इसको करेंगे सॉल्व और आपको मिल जाएगा ML2T-3। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं संवेग, मोमेंटम की ओर। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम देखिए बच्चों किसी वस्तु के वेग का परिमाण होता है। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके गति का प्रभाव हमें मोमेंटम में पता चलता है, संवेग में पता चलता है। ठीक है, तो संवेग, अगर किसी वस्तु का संवेग क्या है, P=mv, इसको स्मॉल p से दिखाते हैं, तो p का बच्चों क्या होता है kg। ठीक है, kg, और फिर उसके बाद इसका आप लिख सकते हो m-1, और ऐसे चीज आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो kg का आप आएगा ml और T-1। ये हो गया आपका क्या, समय, मोमेंटम। आइए ऑन करते हैं इंपल्स की ओर, आवेग। आवेग बच्चों क्या होता है कि मैं बता दूं आपको कि जो बच्चे हमारे क्रिकेटर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बैट्स वगैरह बैटिंग वगैरह करते होंगे, तो उनको बताने की जरूरत नहीं, वो जानते हैं आवेग। आवेग का मतलब क्या है, बॉल को आपने बैट से मारा यूं और बॉल गई बहुत दूर, और वो जो आपने मारा है बहुत दूर, वो इसीलिए मारा है क्योंकि आपने उस पर बल लगाया बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तो जो बॉल में देखने को मिलता है वो है आवेग। ठीक है, तो ये है आवेग, और आवेग को आप देखते हैं न्यूटन सेकेंड बच्चों। ठीक है, यहां से आप करेंगे इसको सॉल्व और आपको डायमेंशन मिलेगा सेम, क्या सेम, इसके साथ। मैं बता दूं कि मोमेंटम का और इंपल्स का दोनों का विमा होता है समान। आइए मूव ऑन करते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात करूं, भी आगे आने वाला चैप्टर में आपको जरूर पता चलेगा, फिलहाल के लिए मैं बता दूं आपको कि जड़त्व आघूर्ण किसी घूमते हुए वस्तु की अपनी टेंडेंसी होती है, जिसे वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। उसका फॉर्मूला होता है mr², दूरी होती है गुणन अक्ष से, और m उस वस्तु का होता है द्रव्यमान। तो करेंगे हम इसको सॉल्व, अब आ जाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम का आप लिखेंगे m, और आप यहाँ पे मीटर को लिख सकते हैं l, और ये हो जाएगा फाइनली डायमेंशन ml2। मूव ऑन करते हैं कोणीय संवेग की ओर। आप कोणीय संवेग का मतलब अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेखीय संवेग सुना है, वो रेखीय गति करते समय आता है, एग्जैक्टली वैसे ही कोणीय संवेग होती है जो घूमते हुए वस्तुओं में आता है, और घूमते हुए जो प्रभाव देखने को मिलेगा उसे हम कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग को जे से दिखाते हैं, और जे = i ओमेगा, तो यहां से बच्चों हो जाएगा
आई के लिए आप क्या लिखोगे, आई के लिए आप लिखोगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ओमेगा मतलब पर सेकेंड, मतलब ओमेगा का कोणीय वेग होता है, ठीक है, कोणीय वेग का होता है प्रति सेकेंड, तो प्रति सेकेंड का मतलब s-1 इसका और आई का ये हो गया बच्चों ऊपर देख ही रहे हो, तो फाइनली हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन, क्लियर बात। फिर उसके बाद आता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या है देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम खड़े होकर के अपना हाथ ऐसे यूं घुमाएं तो हमारा हाथ किसी अक्ष के साथ घूमता है, और जब घूमता है तो इस घूमने के प्रभाव को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण, हर घूमने वाली वस्तु में होता है, दरवाजा बंद करिए बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जितना ज्यादा होगा घूमना उतना आसान होगा, तो बल आघूर्ण टाउ इक्वल्स टू एफ इनटू आर, इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन मीटर, और ये न्यूटन मीटर आपने पहले भी देखा हुआ है, और इसका विमा हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है बात क्लियर हो गई। तो अब लोग इनके देख चुके हैं, फिर देखते हैं कुछ अन्य विमाओं के बारे में, कुछ ऐसे विमाएं जो विमाहीन हो, ऐसी राशियां जिनमें विमा ना हो, और कुछ ऐसे भी जानेंगे जो नियतांक होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी राशियां जो विमाहीन है, डायमेंशनलेस है, तो कुछ डायमेंशनलेस में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए घर्षण गुणांक, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि घर्षण गुणांक का डायमेंशन क्या होगा, तो हम ये भी बताएंगे कि कैलकुलेट करके हम बताते हैं, आप इसका डायमेंशन नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर या म्यू एन, और ये प्रतिक्रिया या नॉर्मल होता है, नॉर्मल भार का ही होता है, ठीक है, तो अगर आपका भार है तो उसका ही नॉर्मल होगा, दैट मींस बोथ हैव सेम डायमेंशन, मतलब फोर्स का और रिएक्शन का डायमेंशन सेम होगा, तो यहां से अगर आप निकालने की कोशिश करें तो एफ बाई आर हो जाएगा, दोनों का डायमेंशन सेम होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या मिलेगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका डायमेंशन नहीं होगा, जिसका डायमेंशन नहीं होता है उसको हम इस तरीके से ऑर्डर जीरो में लिखते हैं। जस्ट मूव ऑन एट एंगल कोण, कोण क्या होता है, किसी प्लेन पर किन्हीं दो रेखाओं के बीच का अंतिक मान, यही ना, तो बच्चों यहाँ पर कोण का जो मात्रक होता है वो तो आपने सुना ही है रेडियन होता है, लेकिन मैं बता दूं कि इसका आप डायमेंशन नहीं लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, अब वो है आपका ओमेगा, दैट इज सॉलिड एंगल घन कोण, और घन कोण का क्या होता है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, और स्टे रेडियन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, ये कुछ ऐसी राशियां थी जिनको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए मूव करते हैं कुछ गुणांकों की विमाओं के ऊपर, कुछ गुणांकों में कोफिशियंट किसे कहते हैं, तो कोफिशियंट एक ऐसे फैक्टर है जो हर पदार्थों के लिए, सिचुएशंस के लिए, नेचर के लिए नहीं बदलते, फिक्स होते हैं, उनको हम लोग गुणांक कहते हैं, ये नेचर वाइज होता है, ठीक है, हर हर पदार्थ का अलग अलग होता है, और यही गुणांकों के बारे में हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है शांता गुणांक, शांता गुणांक को बच्चे ईटा से दिखाते हैं, वो ईटा, ये ईटा ऐसे लिख सकते हैं आप आई ई टी ए ईटा, अब ईटा का हमें निकालना है, क्या निकालना है इसका डायमेंशन, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला देखिए आप बच्चे ये भी लगा देते हैं 6 pi eta rb, एफ इज इक्वल टू 6 pi eta rb, तो ये तो आपको पता ही है बच्चों कॉन्स्टेंट है, 6 और पाई का कोई मात्रक नहीं होता, पाई का भी होता नहीं, 6 का भी नहीं होता, आपको निकालना है ईटा का, आर क्या है रेडियस है, वी क्या है चाल है, एफ क्या है आपका फोर्स है, ठीक है, इसको विस्कस फोर्स या शान बल कहते हैं। यहां से बच्चों अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ईटा आर बी, और यहां से आप करिएगा सॉल्व, यहां से आप रख दीजिएगा एम एल टू सॉरी एम एल टी माइनस टू अपॉन ईटा, सॉरी ईटा तो आप निकाल ही रहे हैं, तो आर का क्या लिख दीजिएगा, आर का एल लिख दीजिएगा, और इसका एल टी माइनस वन, और कर लीजिएगा सॉल्व, और आपको मिलेगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा डायमेंशन। जस्ट मूव ऑन करते हैं ताप प्रसार गुणांक पर, ताप प्रसार गुणांक क्षेत्रीय तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, मतलब जब किसी चीज को आप ताप देते हैं तो फैलने लगता है, अगर लंबाई में फैला तो रेखीय, क्षेत्रफल में फैला तो क्षेत्रीय, और आयतन में फैला तो आयतनीय, तो अल्फा बीटा गामा इसी को दिखाता है, ठीक है, तो अल्फा के बारे में मैं बात करूं तो अल्फा बीटा गामा का सबका एक ही होता है प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड सबका यही होता है, तो प्रति सेकंड
सबका प्रति सेकंड नहीं बच्चों प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो प्रति डिग्री सेल्सियस, तो प्रति डिग्री सेल्सियस को आप कैसे दिखाएंगे, कुछ नहीं करना है इसको, तो इसको आप ऊपर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या थीटा माइनस वन, थीटा माइनस वन। तो प्रति डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को दिखाता है और टेम्परेचर का होता है थीटा, थीटा पावर माइनस वन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो थीटा माइनस वन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये और का मतलब अथवा हो गया। अब आते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, चालकता गुणांक को कैसे दिखाएंगे, तो फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे के इज इक्वल टू, के का फॉर्मूला निकालना है तो के का फॉर्मूला निकालने के लिए आप इससे जा सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है के, ये के कोई और नहीं, ये यही ऊष्मा चालकता गुणांक है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम हासिल करेंगे बच्चों आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो यही है वो के जिसके बारे में हमें डायमेंशन निकालना। अब के कैसे निकालेंगे, तो ये क्यू ऊष्मा है, तो यहां से आप के का निकालना चाहे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा डेल्टा थीटा और इंटू टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे ये निकाल लिया आपने। अब इससे आपको निकालना है तो क्यू का क्या हो जाएगा, तो क्यू का हो जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस टू, क्योंकि ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा एक ही होता है और इसका होता है एल, और नीचे हो जाएगा ए का एल टू और डेल्टा थीटा बच्चों ये डेल्टा थीटा है जिसका थीटा हो जाएगा और टी का क्या हो जाएगा केवल टी, और इसको कर लीजिएगा आप सॉल्व और मुझे बता दीजिएगा इसका डायमेंशन, ठीक है करके। फिर इसके बाद आते हैं प्लांक नियतांक के बारे में बात करते हैं। तो प्लांक नियतांक के बारे में कैसे बात करेंगे, हम ऊपर का इरेज कर दें, फटाफट से देखते हैं कि प्लांक नियतांक का कैसे निकालेंगे। लिखेंगे आप इसी ऑर्डर में, सॉल्व हम इधर कर दे रहे हैं, कर लीजिएगा बच्चे इसको सॉल्व। इसके बाद आते हैं प्लांक नियतांक के बारे में। प्लांक नियतांक को एच से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू का मतलब होता है आवृत्ति और आवृत्ति का होता है प्रति सेकंड, तो यहां से एच इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई न्यू, ई का क्या होता है जूल, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, और इसका हो जाएगा प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है बच्चों टी माइनस वन, और इसको आप कर लीजिएगा ऊपर तो हो जाएगा टी वन, वन इसमें से कम हो जाएगा तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। ये किसका आ गया, ये आ गया प्लांक नियतांक का विमा, ठीक है पहला। फिर इसके बाद मैं बात करूं बल नियतांक के बारे में, तो बल नियतांक एफ इज इक्वल टू होता है के एक्स, यही है वो बल नियतांक, तो यहां से मैं के की बात करूं तो एफ बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बल नियतांक किसमें होता है, स्प्रिंगो वगैरह में होता है, ठीक है, रबड़ में भी हो सकता है, तो एफ बाई एक्स, तो यहां से अगर एफ एफ को हम लिखेंगे एम एल टी माइनस टू और इसका लिखेंगे एल, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये एम एल कैंसिल एम टी माइनस टू, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि ये विकृति होती है कितना आपने खींचा और ये बल आपने कितना बल लगाया था, कितना रेजिस्ट किया गया। नेक्स्ट में चलते हैं स्टीफन, स्टीफन को सिग्मा से दिखाते हैं, फॉर्मूला था ई इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर फोर, तो यहां से सिग्मा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा ई अपॉन टी पावर फोर। ई का बच्चों ये है एकांक समय में एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, तो इसका मात्रक बच्चों मैं पहले बता दूं आपको जूल प्रति सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर, ये ऊपर का हो गया, नीचे का कि केल्विन है, केल्विन, तो केल्विन के लिए के भी लिखते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं, तो केल्विन के लिए के और थीटा दोनों लिख सकते हैं। तो अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये जूल, जूल का होता है एम एल टू टी माइनस टू और पर सेकेंड का मतलब हो जाएगा टी और इसका हो जाएगा एल टू और इसका हो जाएगा के टू दी पावर फोर, तो ये फाइनली ये कुछ इस तरीके से आप लिख लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक। इसके बाद आते हैं किस पर, वीन नियतांक पर, वीन नियतांक को हम लोग दिखाते हैं बी से, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, इसका होता है मीटर केल्विन, तो मीटर केल्विन के लिए बच्चों क्या लिखोगे, मीटर के लिए आप लिख दीजिएगा क्या एल और केल्विन के लिए आप के लिख सकते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं, तो के ही लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो फाइनली इसका डायमेंशन आप लिख सकते हैं एम जीरो और एल टी जीरो के, ठीक है। तो ये हो गया बीन कॉन्स्टेंट का भी डायमेंशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग सब जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, टाइम है अभी हम लोग स्टार्टिंग है, आगे चलेंगे देखेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपकी लाइफ का सबसे हिला देने वाला
कॉन्स्टेंट, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नियम और सबसे बड़े नियम का सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट। आइए देखते हैं इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, F is equal to G m1 m2 upon r square। बच्चा बच्ची की जुबान पर ये फॉर्मूला बसा हुआ है, यहाँ से आप g का निकाल सकते हैं, डायमेंशन g is equal to हो जाएगा F r square upon m1 m2। तो ये हो जाएगा F का हो जाएगा न्यूटन और R का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और इसका केजी दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, यहाँ भी हो जाएगा केजी। फाइनली आप कुछ नहीं करना है, न्यूटन का लिखना है ML T माइनस टू और यहाँ पे आपको लिखना है L2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा M और M दो बार हो गया, एक एक कैंसिल कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एम माइनस वन और एल थ्री टी माइनस टू, ठीक, ये हो गया डायमेंशन। तो फाइनली इतना ऑर्डर पूरा लिख लेंगे, ये हो गया आपके डायमेंशन के कुछ पार्ट। कल पढ़ेंगे हम लोग, मतलब अगले क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं आपके विमीय पद्धति के उपयोग जो कि तीन प्रकार के हैं, जानेंगे। तब तक के लिए कुछ नहीं, आवाज रहिए, जय हिंद।